दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते, और उन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता यह है कि हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के आधार पर नाजुक दिल का बताया गया है, और ऐसी मान्यता है कि मृत्यु शरीर को अग्नि देते समय यदि कोई रोता है तो उस इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती, और ऐसे समय में महिलाओं का जलते शव को देखना और रोना असंभव सा लगता है, इसलिए महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित है। शमशान घाट में और भी ऐसी चीजें मौजूद है जिसको देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है, जैसे शव को जलाने से पहले उसके कपार पर डंडे से मारा जाता है, क्योंकि एक पुरानी परंपरा है और बहुत बार शव जलते हुए अकड़न जैसी आवाजें करता है जो कि देखना महिलाओं और बच्चों को भयभीत भी कर सकता है। उनके लिए ये दृश्य देखना उनके मानसिक स्तर पर भी असर कर सकता है, इसलिए उनका शमशान घाट जाना वर्जित किया गया है। हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार यह कहा जाता है कि परिवार का जो भी सदस्य शमशान घाट जाकर या उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उन्हें हिंदू धर्म के संस्कृति के अनुसार अपना सर मुड़वाना पड़ता है। पुरुषों के लिए मुंडन कराना कोई गंभीर समस्या नहीं है, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना उनके हिंदू धर्म में वर्णित रूप से खिलाफ है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित है। जरूरी नहीं कि ऐसा सभी लोग करते हैं, ये लोगों की मनुस्मृति पर निर्भर करता है कि वो कौन सी मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहता है, क्योंकि आज के समय में कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करके अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी संस्कृति और मान्यता होती है, ठीक इसी तरह हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यता महिलाओं को शमशान घाट न जाने पर वर्जित है। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक ये भी है कि शव को लेकर जाते समय घर को भरपूर धार्मिक रूप से शुद्ध और पवित्र बनाया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए किसी को घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण करना रहता है, और ये जिम्मेदारी महिलाएं अच्छी तरह से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव जलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इन जिम्मेदारियों के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायित्व तो महिलाओं को दिया गया है, जिससे महिलाएं पुरुष को घर आने के बाद ही उन्हें स्नान कराने और पवित्र कराने का कार्य करती हैं। इसके पीछे का एक दूसरा कारण ये भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, और ये हमारे कोमल अंगों पर चिपक कर कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शरीर की शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप माना जाता है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ और मान्यताओं के बारे में। यदि आप भूत और प्रेत में विश्वास रखते हैं तो आप इन मान्यताओं को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का भी वास होता है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत इन पर अपना प्रभाव ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेतों के ऐसे ही भयावह जाल से बचने के लिए महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित किया गया है। तो दोस्तों, आपने इन बातों में कुछ नया जाना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।